मिस्टर से आवाज आ रही है आपको? हेलो हाँ निष्कर्ष, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, जी सर, जी सर आ रही है। आप थोड़ा सा देख लीजिए तो बोर्ड पे मैं क्या लिखता हूँ। बोर्ड तो सही है सर, बस आपका वीडियो थोड़ा वैसा आ रहा है। थोड़ा वीडियो तो वो लाइट की वजह से सामने, मैं इसलिए बल्ब जलवा लिया हूँ, थोड़ा सेट करना पड़ेगा बैकग्राउंड। नहीं, पीछे बैकग्राउंड थोड़ा वैसा है ना, अजीब सा। वो ये दूसरा लैपटॉप है ना, तो उसमें तो अब यहाँ पर तो हमसे सेट नहीं होगा बैकग्राउंड। हाँ, दिक्कत है जो अब जो अगली विजिट होगी तब से हो सकता है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, डन सर, कोई पहले आप ये टेंशन पढ़िए, आप पढ़े देख लीजिए, पूरा नहीं। हाँ, पढ़ने में आ रहा है सर एक बार। पढ़ के आप सुनाइए। हाँ हाँ, निष्कर्ष द ग्रेट स्पेलिंग गलत था बस मेरे नाम की, एच आई जाए कॉस्ट अच्छा, एस के बाद, एस ये के ठीक बाद एच। है ना, ये ठीक है ना, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब हाँ। आप ज्वाइन करा दीजिए बच्चों को, मैं निकाल। हाँ, ठीक है सर, का बस। आगे से जब मान लीजिए मेरा प्रोग्राम इधर बनेगा तो हम इस पे बैकग्राउंड जो है लैपटॉप बदलना पड़े, पुराना लैपटॉप है ना ये, पुराना कहीं से जी, जुगाड़ कर लिया। ठीक अच्छा, चलिए कोई नहीं सर, मैं बोलता हूँ उसको, कॉल ही करता हूँ शिफ्ट को। है। ओके सर। रिफत, कैन यू हियर मी? यस तो कैन यू रिकॉल प्रीवियस क्लास? यस श्योर हाँ, आपकी ब्रायोफाइट चल रहे थे, सर। हाँ सर, और ब्रायोफाइट में परहैप्स इन माय ओपिनियन आपको पिक्चर सारे मिल गए थे व्हाट्सएप पे, हाँ सर, स्पोरोफाइट। आज मुझे दोनों का मतलब क्लासिफिकेशन भी हो गई थी। ब्रायोफाइट की क्लासिफिकेशन बस ऐसे ऊपर ऊपर की थी हमने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। नाउ अब लेटेस्ट ही आप अपना बुक खोल लेंगे, हम लेटेस्ट कम ऑन द डिस लिवर वर्ड्स। हाँ अब स्पेसिफिक इन लिवर वर्ड्स व्हिच इज टेक्निकली कॉल्ड एज हेपेटिकोप्सिडा। तो क्वेश्चन इज व्हाई इट इज लिवर वर्ड्स, बिकॉज इट्स अपेरेंस इज लाइक अ लोब ऑफ द लिवर। तो ऐसे होती, तो फ्रॉम द सिलेबस जो है वो सिर्फ ओनली आपकी है मार्केंसिया, राइट? मार्केंसिया। तो मार्केंसिया, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट द मार्केंसिया, क्वेश्चन आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और नॉट ट्रू अबाउट द मार्केंसिया। मैं अभी इसको गेमा गेमा कप का टीएससी बताऊंगा। तो नंबर वन है,
इट इज अ डायोसियस या हेट्रोथैलिक, इसको इट इज टेक्निकल वर्ड हेट्रोथैलिक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मार्कंसिया, तो इट इज हेट्रोथैलिक, बियर्स गैम्मा, बियर्स एंथ्रिडियोफोर एंड आर्चिकोनियोफोर, एंथ्रिडियोफोर एंड आर्चिकोनियोफोर, तो दीज आर द ट्रू स्टेटमेंट. अब इसमें कोई एक ऑड मैन आउट कर देंगे पकड़ में आ जाएगी, तो साइड में आप वहीं पर बुक पे लिखो या कहीं पर आप स्लिप बना के लिखो. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या फॉल्स अबाउट मार्कंसिया, तो वंस आप लिख लो हेट्रोथैलिक है, बियर्स गैम्मा एज एन एसेक्सुअल बर्ड, बियर्स एंथ्रिडियोफोर, बियर्स आर्चिकोनियोफोर, दीज आर द ट्रू स्टेटमेंट. अब ठीक है, नोट कर लिया आपने. हाँ. अब लेट अस कम ऑन द गैम्मा, तो थोड़ी सी आप आगे बढ़ाए. There is two words, gamma and gamma cup. So, अब suppose here is a thallus और यहाँ पर ये दिखा रहा है gamma cup. So if you cut the transverse section, तो TS काटेंगे तो अब ये diagram बच्चे अब draw करोगे. So that we have a concept. ये डायग्राम नीट में पूछेगा नहीं, बट ये जो इसको बोलते वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन इफ यू विल कट, यू विल फाइंड अ कप लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस. दिस इज गैम्मा कप. This cup bears large number of gammae. Gamma and gammae are singular and plural. Now, if you are taking out single gamma here, तो अब ये यदि यहाँ से एक स्टेप बढ़ सकते तो क्या बढ़ेंगे ये देख. अब gamma की स्ट्रक्चर नहीं है तो स्टूडेंट को दिक्कत क्या होती है मेमोराइज करने में. बट इफ यू विल मेक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस गैम्मा, दिस इज द स्टॉक एंड दिस इज नॉच. यहां से हम दो मैटर कर सकते हैं. इन द गैम्मा इज नंबर वन, इट इज एसेक्सुअल बर्ड, तो दिस वर्ड इज गिवन इन द बुक. दूसरा जो नहीं है दैट इज इट इज स्टॉक्ड, और इट इज बाइसेल्ड. देखो यहाँ बाइसेल्ड व्हेन इट गेट डिटैच्ड, अब जब ये यहां आ गई तो एक थैलस यहां से आएगा, एक थैलस यहां से आएगा, तो वन मोर एडिशनल पॉइंट, each gamma gives rise to two thalli. इससे आगे आपकी नीट में नहीं आ सकती बिकॉज हमने ये तीन चीज एडिशनल ले लिया. So if the setter will ask the question from the gamma, they can't go beyond this. अब अच्छी ये बात क्लियर हो गई बुक में. हाँ. आगे बढ़ा जाए. एक मिनट. आधर नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम बचाना. एज यू लाइक. हो गया. चलो बुक आ गई आपकी. जी. वेरी गुड. तो अब हमारे हैं, अब शायद
पेज नंबर 36 खोलेंगे पर आपको एक टेक्निकल वर्ड मिलेगा प्रोटोनिमा। पेंसिल से मार्क किया प्रोटोनिमा 36 पर। हाँ। और यहीं पर पेंसिल से लिख देंगे वर्ड प्रोथैलस। और प्रोथैलस अंडर ब्रैकेट 38 पेज। तो अब ये देखो दो मिलता जुलता वर्ड है, इट इज ऑन पेज नंबर 36, इट इज ऑन 38, प्रोटोनिमा प्रोथैलस। यहाँ हमने घेर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन बनाए। दो वर्ड मिल गया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अब जो स्ट्रक्चर हमने आपको जो स्पोरोफाइट के साथ भेजा था, फ्यूनेरिया था, यू नो ऐसे करके व्हाइट ऐसे स्ट्रक्चर मिल रहा था यू, ठीक है। पिक्चर देखा था ना उसने यू। तो अब इन दिस केस स्पोरोफाइट जो अब यहाँ पर लिखते हैं मोसेस, टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज मोसाइट। तो वह बेसिक डिफरेंस वाज दैट इट इज इरेक्ट एंड लीफी। ये इरेक्ट है और लीफी है, नॉट लीफ बट इट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। हेयर इज द राइजोइड और यहाँ जो है यहाँ है स्पोरोफाइट। हम लोग स्पोरोफाइट पर अलग डिस्कस करेंगे, बुक में अंडरलाइन कर लेंगे आप यहाँ पर। राइजोइड, लीव्स, फूड, सीट एंड कैप्सूल लिखा होगा, ए बी सी डी कर दोगे। मार्किंग कर दो बच्चे, ठीक कर दिया। हाँ। आप देखे अब इनकी लाइफ साइकिल, अब जब ये बस्ट करेगा कैसे क्या करेगा दैट वी विल डिस्कस। हम लोग स्पोरोफाइट फॉर्मेशन पढ़ चुके, एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया पढ़ चुके। तो व्हेन दिस स्पोर कम आउट, अब ये जब हैप्लॉइड स्पोर इन केसेस में आ रहे, तो अनलाइक मार्केंसिया डू नॉट गिव राइज टू द गैमेटोफाइट डायरेक्टली, रादर फर्स्ट इट जर्मिनेट्स टू गिव्स राइज टू ग्रीन फिला। जहां पर प्रोटोनिमा लिखा है बच्चे, वहां पर अब इस तरह के डायग्राम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ए ग्रीन फिलामेंटस एल्गल लाइक स्ट्रक्चर प्रोटोनिमा। तो यदि हम पेंसिल से ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो दिस वर्ड प्रोटोनिमा जो है ये लॉन्ग मेमोरी में हमारा चला जाएगा। बुक में लाइन मार्क करिए व्हाट इज रिटन अबाउट प्रोटोनिमा, एल्गल फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर मिला। हाँ। पेज नंबर 36 पर है आप। हाँ जी। हाँ जी। तो अंडरलाइन कर दीजिए, क्वेश्चन बना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू या नॉट ट्रू अबाउट प्रोटोनिमा। अब बात अब यहाँ देखिए, अब लैटेंट इन दिस प्रोटोनिमा फर्स्ट इज एन एल्गल फिलामेंटस स्ट्रक्चर, एल्गल लाइक लाइक। तो इट शोज दैट ब्रायोफाइट हैज डिराइव्ड फ्रॉम द एल्गी। अब देखो जैसे ह्यूमन ग्रोथ होती है, तो आपने यहाँ पर देखा होगा देयर इज ए गिल स्लिट फॉर्मेशन होती है, माइट हैव स्टडीड। ह्यूमन एम्ब्रियो में गिल स्लिट बनती है नहीं बनती? हाँ। क्यों बनती है, इसका तो कोई वर्क नहीं है। बट इट शोज दैट वी हैव डिराइव फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। एवोल्यूशन में पढ़ेंगे तो ये आप यहाँ ये गिल स्लिट भी दिखाते हैं, एम्ब्रियो सैक भी दिखता है ह्यूमन में, सॉरी योक सैक। तो ये सब चीजें जैसे एनिमल में होता है प्लांट में भी होगा। तो प्रोटोनिमा शोज दैट दिस ब्रायोफाइट हैज डिराइव्ड फ्रॉम द एल्ग। अब आफ्टर दैट अब इनमें इस एल्गल स्ट्रक्चर पर अब धीरे धीरे इससे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे और इट विल डेवलप इनटू द एक्चुअल गैमेटोफाइट। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया नहीं हो गया? हाँ, हो गया। अब हम एक चीज एक एडवांस पढ़ेंगे जो बुक में आपका नहीं है, टाइटल विल बी स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट। हेडिंग लिखोगे बच्चे, स्पोरोफाइट
इन ब्रायोफाइट. अब दिस लाइन इज नॉट डायरेक्टली गिवन एनी वेयर वी आर इन दिस सिलेबस. अब इफ यू विल टर्न योर 12th क्लास पेज 138 जो इवोल्यूशन ऑफ प्लांट है वहां इनकी हेल्प मिलने वाली. अब देखो एस्पोरोफाइट जो डेवलप किया था दो इन डिफरेंट ब्रायोफाइट. एस्पोरोफाइट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब देखो इन सर्टेन केसेस एस्पोरोफाइट में भी वेरी सिंपल लाइक रिक्सिया. इसके अंदर यहाँ स्पोर्स है बस. दिस इज द वॉल और हियर इज द स्पोर्स. अब ग्रेजुअली हम देखेंगे सर्टेन केसेस में व्हाट हैपेंस. आई एम नॉट राइटिंग द नेम एज इट इज नॉट गिवन. इन सर्टेन स्पोर्स गेट स्टेराइल टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड इलेटर्स. ये देखो यहाँ हमने क्या दिखाया बताएंगे सिग्निफिकेंस. यहाँ पर इलेटर्स पर वाइट फॉर्म्स वी हैव टू डिस्कस. पहले मैं डायग्राम कर लूं उसके बाद. इन सर्टेन केसेस अगेन स्पोरोफाइट में अब देखो कॉम्प्लेक्स. दिस इज द बल्बस फुट ये नीचे है इससे वो गैमेटोफाइट में एंकर के रहता है. बीच में फिर अगेन ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है. जस्ट आई एम लेबलिंग इट. बिसाइड्स इलेटर्स यहाँ एक स्ट्रक्चर और बना दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोर्स. इलेक्ट्रोफोर्स हाँ जी. दिस ऑल ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक. अभी बता रहा हूँ पहले डायग्राम लेट मी कंप्लीट. अभी आपके दिमाग में ये नहीं था जो क्या एस्पोरोफाइट में भी वेरिएशन हो सकते हैं. तो वेरिएशन है तो फिर क्यों है एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस. अब लास्ट में हम आ रहे हैं जो फ्यूनेरिया में जो आपका दिया हुआ है उसमें जो फूड सीट एंड कैप्सूल है यहाँ देखिए. पहले आप देखो जो कैप्सूल है उसको थोड़ा और मैं ब्रेक कर. अब यहां पर दिस पार्ट रिमेन एम्बेडेड इन द गैमेटोफाइट फुट. अब यहां इलोंगेट स्ट्रक्चर बनेगा फुट. व्हाट इज नेम दिस इज गिवन सीटा. अब इन इनसाइड अ कैप्सूल इट इज ए ब्यूटीफुल एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. अब इनके अंदर में अब देखो एक बताओ ये स्पोर की सैक बनती है ऐसे लाइक दिस. अच्छा सुनो अब ये स्ट्रक्चर है ना. अब यहाँ देखो एक मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा. अब यहाँ बना. अब यहाँ देखो एडवांस ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं कैलिप्ट्रा. कैलिप्ट्रा इधर वाले को बोलते हैं पेरिस्टोम. और ये आपकी होगी स्पोर सैक. और इनसाइड न्यूमरस स्पोर्स. अब व्हाट डिफरेंस यू आर फाइंडिंग पहले आप देख लो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना. यानी एस्पोरोफाइट इज वेरी सिंपल है लाइक इट इन रिक्सिया. नाम जरूरत नहीं है. यहां से देखिए कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हुई. इलेटर्स एंड इलेक्ट्रोफोर जो है दे आर हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी दे एम्बाइब वाटर. तो अब क्या इनकी सिग्निफिकेंस है इलेटर्स and electrophores are hygroscopic structures. So अब क्या होगा hygroscopic means what? They absorb water. अब जहां पर बच्चे ये water absorb करेगा तो what will be happen? Pressure will increase inside. तो प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा ये बस्ट आउट होगा. तो स्पोर दूर जाएगा. इन केसेस में क्या होगा
इन केसेस में ये जहां सॉइल में है ये वही रहेंगे और वहीं पर ऐसे जर्मिनेट कर जाएंगे, यानी डिस्पर्सल की मैकेनिज्म यहाँ नहीं है। अच्छा। देखो बात, अब तब आपको 12th वाला बुक उल्टाऊंगा दिखवाऊंगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और ज्यादा बना। हाँ। तो दे विल एम्बाइब मोर वाटर। हाँ। तो अब यहाँ पर ज्यादा प्रेशर होगा, इनकी स्पोर और दूर दूर जाएंगे। तो अब इसमें ये फुट बना सिटा, ये जो फुट सब ये तो डिप्लॉयड है, सिर्फ स्पोर एप्लॉयड है। अब जो हमारी फिनेरिया में, अब देखो यहाँ स्पोरोफाइट कितने ब्यूटीफुल हो गए, यहाँ तीन पार्ट हो गया, फुट सीटा एंड कैप्सूल। सीटा दिख रही है, फुट एम्बेडेड है, और कैप्सूल का भी मैं सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाया हूँ, ये देखो। अब इसके अंदर बच्चे क्या है, यहाँ पर है। अब जैसे ये राइपन करेगा, जो आपको मैं व्हाइट वाला पिक्चर भेजा था वो इसी का, उसके अंदर का स्ट्रक्चर है। अच्छा। जो आपने देखा था सिंपल, वो तो हमने कैमरा से लिया था, इससे मोबाइल से। हाँ। यदि इसको मैं आपको डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप पे लगा दूं तो आप पूरे ब्यूटीफुल और देखें। अच्छा। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये रैपेंड करता है, ये कैलिप्ट्रा जो है ये एयर की थ्रू से उड़ जाएगा। उस जो मैं पिक्चर भेजा हूँ उसको थोड़ा इलेबोरेट करोगे तो इन सम ऑफ देम यू कैन सी द कैलिप्ट्रा। अच्छा, ये तो कैलिप्ट्रा हवा में उड़ गया। अब पेरिस्टोम जो है दैट इज हाइग्रोस्कोपिक, समझ में आई बात? तो जैसे ये वाटर एम्बाइब करता है तो अब आपका जो फ्यूनेरिया है उसमें ये क्या होता है, 16 into, अब जरूरत नहीं है नंबर, पहले पूछते थे, 16 में 2 और 32 पेरिस्टोम टीथ होते हैं। तो अब ये क्या करता है, देखो ये ऐसे ऐसे वाटर एम्बाइब क्या, ये ऐसे ऐसे बस दिख रही है हमारी उंगली, दिख रही है आपको उंगली? नहीं दिख रही? नहीं। मैं विजिबल हूं या नहीं हूं आपको? नहीं सर, नहीं हूं। मैं विजिबल नहीं हूं? नहीं, आपका शायद कैमरा ऑफ है। नहीं जी, कैमरा सामने खुल रही है, एक मिनट दूसरा कैमरा भी खोल देता हूं। अब देखो तो। हाँ, दूसरे कैमरा से हम दिख रहे हैं जी। उस कैमरा वो भी ऑन है, पता नहीं क्यों दिख रहा है, बड़ा वाला कैमरा। इस कैमरे से आप दिख रहे हैं, अब तो आपको मेरी उंगली दिख रही है। हाँ। इसमें क्या होता है, ये जो ये समझो पेरिस्टोम टीथ है। अच्छा। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे बस्ट करेगा। ठीक। तो अब ये क्या करे, ऐसे ऐसे जब ये माइप करके करेगा, ये पूरा स्पोर को चार ओर बिखरेगा। हाँ। तो स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म हो गई ना। हाँ। तो अब धीरे धीरे आप यहां से क्या देख रहे हो, तो जैसे जैसे स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट में ये धीरे, ये सब पार्ट तो 2n है जी, ब्रायोफाइट तो हैप्लॉयड होती है। हाँ। ये सब इतना, ये सब पार्ट तो 2n है। हाँ। ये पार्ट सिर्फ इसमें स्पोर हैप्लॉयड है। ठीक है, अब मान लो हम लोग जब आगे अभी टेरिडोफाइट में जाएंगे तो फर्स्ट स्पोरोफाइट बनेगी वो। हाँ। इट इज अ पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट। अब मान लो किसी तरीके से ये यदि लैंड में सर्वाइव करने लगे, ये पैरासिटिक है, गैमेटोफाइट खत्म होने के बाद यदि ये सर्वाइव करने लगे तो डिप्लॉयड का इवोल्यूशन होगा या नहीं होगा? होगा। आप 12th क्लास की 138 पेज आपके बुक सामने बुक है, खोलिए तो। हाँ। सबसे नीचे में सिलुरियन के बगल में लिखा होगा जो स्टेरोफाइलम। स्टेरोफाइलम। हाँ। राइनिया। हाँ। ये दोनों फॉसिल टेरिडोफाइट है। अच्छा। अब फॉसिल टेरिडोफाइट है तो उनमें, उसमें कोई रूट स्टेम लीफ नहीं है, इसी का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर मिल रहा है। अच्छा। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, सिलुरियन एंड डेवोनियन में जो टेरिडोफाइट की ओरिजिन हुई थी, फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर हुई थी। हाँ, बिल्कुल। तो इसके बिना वो जो लाइन ऐसे गई है कैसे आपको समझा पाएगा कोई? बात समझ में आई? हाँ। ये लाइन इवोल्यूशन 12th में दिखाया गया और इसकी कॉन्सेप्ट देनी पड़ती है 11th में, जो कैसे एल्गी एल्गी से ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट की ओरिजिन हुई,
तो अभी जो आपको लिखा है जोस्टेरोफालामा रानिया, वहां भी लिख दो ये फॉसिल ट्रेडोफाइट है जो अब हम ट्रेडोफाइट में आने वाले हैं, उनकी ओरिजिन ऐसे ही है। ये जो स्टेरोफाइलम एंड राइनिया, ये फॉसिल ट्रेडोफाइट है, फॉसिल एंड प्रिमिटिव, अब आ जाए वापस हम लोग अपनी बुक पे। ये इसका स्क्रीनशॉट ले ली बच्ची? हाँ। तो अब हम लोग आ जाते हैं इस पे ट्रेडोफाइट पे। तो अब तो ये क्लियर हो गई ना, तो फ्रॉम दिस प्रायोफाइट ट्रेडोफाइट माइट हैव बीन ओरिजिनेटेड। हाँ जी। अब उसका ये थोड़ी कहानी और बता दो बीच में। इट इज पैरासाइट बट अब इन केसेस एक मैं बताऊं इनको मिटाने से पहले। लेट अस टॉक अबाउट इट्स ओरिजिन ऑफ ट्रेडोफाइट। जो 138 पर कॉन्सेप्ट आ जाएगी आपको वहां फिर कुछ रट्टा नहीं लगाना है। आई थिंक वो स्कूल में भी छोड़ दिया होगा आपका। हाँ बस कह रहा हूं याद रखना ये कि कौन कौन से कहां पे कौन से एज में है उसमें है। बस तो उससे थोड़े काम पड़े लगा बच्चे, क्वेश्चन वहां से उस पेज से 138 से 500 क्वेश्चन जनरेट होकर। अच्छा हाँ जी, अब ये तो कोने जब उस पे आएंगे तो बताऊंगा। 500 क्वेश्चन एक पेज से जनरेट होगा, आप खुद जनरेट करोगे। अब देखो एक ब्रायोफाइट है एंथोसेरोस, जो बुक में नाम नहीं लेकिन हमको तो इवोल्यूशन देखनी है। एंथोसेरोस में क्या होते है? जो आफ्टर डेथ ऑफ, अभी इनमें गैमेटोफाइट इनके बहुत सिंपल होते हैं बट स्पोरोफाइट जो इसी तरह का इनका होता है और ये करके ये थोड़ा सा इनका स्पोरोफाइट में ऐसे हॉर्न भी बने होते हैं जो भी है। जब ये खत्म हो जाते ये 6 वीक तक सरवाइव कर रहा है। ये जो है आफ्टर डेथ इन थोसेरोस स्पोरोफाइट तो जब ये 6 वीक तक सरवाइव किया है, अब यदि ये धीरे धीरे इनके खत्म हो जाने के बाद ये सरवाइव किया है इसी में सारे सिस्टम आ जाए तो प्रिमिटिव राइनिया या जेस्टोडोफाइलम लाइक स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं? हाँ बिल्कुल बनेगा। एक मिनट, के लिए दे सकते एक मिनट बच्चे, थोड़ा सा नेट अनस्टेबल हो गया। तब तक एक काम करें, जब यह नेट आ रही है आप ऊपर में लिखना शुरू करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडोफाइट, तब तक मैं डिक्टेट करता हूँ जब तक। हेडिंग लिखोगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडोफाइट। हाँ सर। जस्ट 1 मिनट, आ गई लाइन, मैं थोड़ा सा नेट इसको ज्वाइन कर लेता।
जस्ट एक मिनट बच्चे, हाँ श्रीपद नाउ आई थिंक बोर्ड इज विजिबल, यस सर। चलो यहाँ से आप लिख ही लेते हैं फटाफट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन जनरल कैरेक्टर फर्स्ट में लिखते चलो, जो रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट, यानी फर्स्ट टाइम ये डेवलप हुआ जी, रूट स्टेम लीव अभी तक तो नहीं थे। फर्स्ट टाइम बाद में लिखेंगे, फर्स्ट टाइम इन ड्यूरिंग इवोल्यूशन, इट वाज एब्सेंट इन एल्गी, इट वाज एब्सेंट इन ब्रायोफाइट, ये फर्स्ट टाइम आया है। वास्कुलर बंडल क्या, वास्कुलर बोर्ड आपको दिख रही है ना? हाँ दिख रही है सर। वास्कुलर बंडल प्रेजेंट, फर्स्ट टाइम वास्कुलर बंडल आया है। हाँ, ये फर्स्ट टाइम आ गई बंडल प्रेजेंट। अब यहाँ देखो मेन प्लांट बडे लाइन कटल से की। अच्छा बच्चे तब तक आप डिक्टेट करो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। तो मेन प्लांट बॉडी इज मेन स्पोरोफाइट, लिख दिया। पहले इस पर लिखने के बजाय पहले आप डिक्टेट कर लो, फिर मैं इस पर डायग्राम से समझाता हूँ। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट लिख दिया आपने, ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है। अब यार एक पॉइंट जो मेन इम्पोर्टेंट है इनके लिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस ए वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज। अब आपको एक पिक्चर मैंने भेजा था फर्न का या बुक में, आपकी में लिखा है स्पोरोफिल लिखा है। हाँ। स्पोरोफिल का मैं पिक्चर में भेजा था, शायद आप पहचान नहीं पाए हो अभी। एक लीफ पर ऐसे करके ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर लगा हुआ है, पहले दिन भेजा था। ये स्पोरोफिल है, मैंने आपको पिक्चर दे अब भेजा था। अब यहाँ से आपको मैं फील्ड से लाइव भी इसको दिखा सकता। मेन प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोफिल कॉमा एस्ट्रोवाइलस
ऑब्लिक कोन, ऑब्लिक स्पोरेंजिया, ऑब्लिक स्पोरो का, डिफरेंट टेरिडोफाइट में स्पोरो का, पहले आप लिखो फिर इसको समझाता हूं, ये पॉइंट आप नहीं है समझाना, ये चीज एकदम नई आ गई, हाँ जो ब्रायोफाइट में नहीं थी, स्पेशल स्ट्रक्चर बना रहा है। नेक्स्ट में इट प्रोड्यूसेस स्पोर, इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस, ब्रैकेट में लिख लो स्पोरिक मियोसिस, जो मियोसिस में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्पोरिक, एक मिनट, स्पोरिक मियोसिस। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल पॉइंट है, यहाँ पर मियोसिस को बोलते स्पोरिक मियोसिस, यानी मियोसिस से गैमिट नहीं बनते जी, स्पोर्स बन रहे। अच्छा, अब ये स्पोर्स जर्मिनेट्स टू गिव राइज टू एन इंडिपेंडेंट a special structure called, अभी जो करवाया था 38 पर प्रोथैलस, मिल गया वर्ड? हाँ। प्रोथैलस के बारे में जितनी मैटर है वो अंडरलाइन आप कर लोगे या बाद में कर लेना, which of the following is true or not true about the prothallus, 38 पेज पर आ गए, ये नई चीज आ गई। इसको मिटाओ बच्चे, नोट हो गया? हाँ सर नोट हो गया। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तब क्लियर होगा मैटर, अभी हम मैटर नोट करते हैं। अब यहाँ देखते हो प्रोथैलस यस सेक्स ऑर्गन, नहीं हो जाएगा यहाँ पर जस्ट लाइक ब्रायोफाइट में लिख दिया, इससे मैटर क्लियर है या दोबारा लिखूं इसको? नहीं नहीं क्लियर, यानी पूरी ब्रायोफाइट में जो एंथ्रीडी आर्ची कोनिया होगा उसी तरह बनेगा। अब इसको डायग्राम से क्लियर करूंगा पूरा मैटर। अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब तो देखो वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, हम लोग बात कर रहे हैं, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, वी आर डिस्कसिंग सिंस एल्गी शायद ये इन थ्री ग्रुप्स वाटर एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन यहाँ तक आ गया, तो इन दिस रिस्पेक्ट, इन दिस रिस्पेक्ट इट रिजेंबल्स विद एल्गी एंड ब्रायोफाइट, तो क्वेश्चन बनेगी या नहीं बनेगी? हाँ। अब जाके आगे जब जिम्नोस्पर्म में जाएंगे तो टोटल आ जाएगा एयर, वाटर हट जाएगी। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब यहाँ क्या होना है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote is formed, or zygote germinates, hmm.
गिव राइज टू स्पोरोफाइट। अब यहाँ देखो एक मिनट, पहले पॉइंट नोट हो जाए फिर मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कैसे क्या हुआ मैटर। ये पॉइंट नोट हो गए बच्चे? हाँ हो गए। अब यहाँ देखो ब्रायोफाइट में याद करिए जायगोट में क्या हुआ था, मियोसिस भी थी। हाँ। अब यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो जायगोट डायरेक्ट जर्मिनेट करना शुरू किया। ये बात गौर किया आपने? अच्छा हाँ। अब देखो अब बीच में जो थोड़ी थोड़ी आपको क्लियर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी अब डायग्राम से होगी, और मैं आज कोशिश करूंगा इस प्रोथैलस का लाइव कहीं से मैं पिक्चर लाऊं और आपको भेजूं। अभी डायग्राम बताता हूं। अब देखो अब इनके डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल देखो। अब मान लो ये एक कोई टेरिडोफाइट यहाँ पर देखो, अब इसको डायग्रामेटिक देखिए जितना पॉइंट लिखाया हूं ना उसका डायग्रामेटिकली। अब जो कि ब्रायोफाइट है यहाँ पर रूट स्टेम लीव्स बनेंगे, वास्कुलर बंडल बनेंगे, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा ये देखिए, डिपेंडिंग अपॉन जो आपका वहां टेरिडोफाइट का पिक्चर्स है अब उसपे मैं आता हूँ, जो इक्विजिटम सबका ऊपर में एस्टोवायरस लिखा है, एक हमने कहा स्पेशल स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो मैंने जो पिक्चर भेजा है वो फर्न का है, ऐसे स्पोरोफिल स्पोर के किनारे किनारे होता है, हर में ये स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं हर टेरिडोफाइट में। स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का स्ट्रक्चर हर में अलग होता है, दैट वी विल डिस्कस। और यहाँ मैं डायग्रामेटिकली लिया स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्पोरेंजियम। ये बात को समझना है जो पॉइंट आपकी लिखी हुई। ब्रायोफाइट में आपने देखा था मियोसिस हुई थी जायगोट में, यहाँ स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन में हुआ और यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर्स बने। ये 2N है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, व्हाट इज क्लियर? तो मेन प्लांट बॉडी यहाँ स्पोरोफाइट हो गया था, रूट स्टेम लीफ वास्कुलर बंडल बन गया। अब यहाँ बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर बना है, फ्लावर नहीं होगा स्टेरोफाइट। अब ये एक ऑर्गन बनाता है जो सिर्फ इन्हीं में होता, इसी ग्रुप में होता स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, और ये मियोसिस होके स्पोर दे दिया। हाँ। अब ये जर्मिनेशन ऑफ स्पोर होगा, जर्मिनेशन अब जब स्पोर होगा तो अब ये आपको ये नहीं बनाएगा, रहता है ये एकदम बायोफाइट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके लिए आपको वर्ड लिखा है प्रोथैलस। ये प्रोथैलस का डायग्राम अब देखो, ये आपको ब्रायोफाइट की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ। अब देखो ब्रायोफाइट का फंड में आए थे तो वहां प्रोटोनिमा बना था, एलगल स्ट्रक्चर अपनी जिंदगी में दिखाया था। हाँ। अब ये देखो अपनी ये ब्रायोफाइट की तरह स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। अब हमने एक ही लाइन में लिख दिया सेक्स ऑर्गन जस्ट लाइक ब्रायोफाइट, यानी यहाँ पर आर्चिगोनिया एंथेरिडिया। अब एंथेरिडिया बस्ट करके बच्चे क्या बनाए थे, नाम बोलो। एंथ्रोजोइट्स ब्रायोफाइट में भी हुआ था ना, एंथेरिडिया है ये जब बस्ट करता है तो मेल गैमेट क्या बनाता जी, एंथ्रोजोइट। अब जहां पर हमने आपको पीछे बताया था तो हमने कहा था एंथ्रोजोइट्स दो ही ग्रुप में होते, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट।
तो अब देखिए इनकी इवोल्यूशन हो रही है, लेकिन इनको इवोल्यूशन हो रही है तो इनको अपनी लाइफ में पहले ब्रायोफाइट की तरह दिखाना पड़ता है, क्योंकि इतने कैपेबल ये नहीं है जो डायरेक्ट कुछ कर पाए। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन होगी। अब यहाँ जब फर्टिलाइजेशन होगी तो यहाँ फिर बना। अब फर्टिलाइजेशन के बाद अब यहाँ मैं सारा कर देता हूँ, जायगोट बन गया। तो इनकी लाइफ में जायगोट हो गया। अब जायगोट हो गया तो 2n हो गया। अच्छा, ब्रायोफाइट में क्या हो गया था? मियोसिस हो गई थी जायगोट में। पर इनके केस में क्या होगा? ये जायगोट जो है ये जर्मिनेट करेंगे और यहाँ यहीं पर प्लांट आ जाएगा और ये मैच्योर करेगा, इसी के ऊपर आ जाएगा, ये इसी में जर्मिनेट कर जाएगा ना, ये खत्म हो जाएंगे बाद में प्रोथैलस। अच्छा, प्रोथैलस खत्म हो जाएंगे और ये जायगोट यहाँ जर्मिनेट कर गया। ये बात देखो, यहाँ से आई, ये इनसे इन स्पोर से आया प्रोथैलस। इस बात को देखो, ये दूसरे किसी प्लांट ग्रुप में नहीं होता। यहाँ तक ठीक हो? आवाज आ रही बच्चे? हाँ, आवाज आ रही। यहाँ तक प्रोथैलस पर ब्रायोफाइट की तरह सेक्स ऑर्गन बना, एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया। अब फर्टिलाइज करके जायगोट बना। हाँ, ब्रायोफाइट में क्या हो गया था? जायगोटिक मियोसिस हो गई थी, स्पोर बन गया था। ब्रायोफाइट को उलट के देखो, यहाँ पर स्पोर बन गया था, मियोसिस हुई थी। और बुक में लाइन है, जायगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली, ब्रायोफाइट का लाइन था। हाँ, तो लेकिन यहाँ जायगोट में अब मियोसिस नहीं, लाइफ में कहीं एक ही बार ना मियोसिस हो गई थी, तो यहाँ पर मियोसिस हो गई। हर के लाइफ में मियोसिस एक ही बार होगी ना, हायर ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है? जहाँ गैमिट बन रहा है वहां मियोसिस हो रही है। यहाँ पर स्पेशल चीजें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टेरिडोफाइट में होता है, जो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन में हो रहा है मियोसिस। और ये जिसका प्रोथैलस है, इनका स्ट्रक्चर में पूरा डिफरेंस है। इसमें रूट स्टेम लीफ है, इनमें एक हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर है। देख के पता ही नहीं लगेगा जी इन्हीं का है। हम आज कोशिश, हाँ नहीं, कोशिश करूंगा आज मैं एक जगह जाके जिनका पिक्चर में ले लूं प्रोथैलस का, क्योंकि आपको स्पोरोफिल तो मैं भेजा हूं। हाँ, ये छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। अब ये मेन बात यहाँ पर थी, यहाँ जहाँ आप चुप हो गए थे, यहाँ जायगोट में जर्मिनेशन हो गया, छोटा सा प्लांट बना। हाँ, तो ये जो ये प्रोथैलस खत्म हो जाएंगे, प्रोथैलस की टिश्यू खत्म हो जाएगी और ये मैच्योर कर जाएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे जर्मिनेशन ऑफ जायगोट। इसको गौर से देखो, जितनी पॉइंट आप लिखो वो इसी से क्लियर होगा, जर्मिनेशन ऑफ जायगोट। अब एक बात देखो ना, जब सीड जर्मिनेट करती है बच्ची, इतना बार देखो आप, एक सीड आपने लगाया, सीड जर्मिनेट कर रही है। जब ये सीड जर्मिनेट करके बड़ा हो गया तो कोटालिटन खत्म हो जाती है कि नहीं हो जाती है? ये हाँ, हो जाती है। तो बस ये शुरू में सपोर्ट दिया और जैसे प्लांट निकला, फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया, ये टिश्यू खत्म हो जाएंगे सारे, अभी नया प्लांट बन जाएगा। अब इनकी लाइफ साइकिल क्लियर हुई कि यहाँ डाउट है? आप चलो इसके बाद, अभी इसमें अभी कई चीजें आए, इसको मिटाऊं? हाँ। तो अब देखो टेरिडोफाइट में क्या क्या फर्स्ट आया है। रूट स्टेम लीफ भी फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ। वास्कुलर बंडल भी फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ। जायगोट का डायरेक्ट डेवलपमेंट भी फर्स्ट टाइम हुआ है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेरिडोफाइट, या विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टेरिडोफाइट रिजेंबल्स विद द ब्रायोफाइट। क्वेश्चन बनेगी या नहीं बनेगी बताओ? बनेगी। सोचते रहो अभी से, अभी हम धीरे धीरे ले चलेंगे और मोर कॉम्प्लेक्स पे ले चलेंगे।
यही काम होता है नीट में और कुछ नहीं होता, जो कोरिलेट करना, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। हम पढ़ रहे हैं 11th का, आपको 12th का इवोल्यूशन दिखा रहे हैं। अब इनकी जिंदगी में इनको पहले ब्रायोफाइट की तरह आना पड़ता है। हाँ आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अब आप बच्ची आ जाओ जहां पर ट्रेटोफाइट का पिक्चर्स है, तो ऊपर में अब एक स्ट्रक्चर है सेलेजिनेला, अब सेलेजिनेला पर जहां लीव्स स्टेम लिखा हुआ है वो लिख दोगे, ठीक है जी। अब वन थिंग इज वेरी स्पेशल जो मार्क नहीं किया हुआ है, अब यहां से गया है, यहां से देखो एक लंबा सा स्ट्रक्चर ऐसे नीचे बना हुआ है जिसमें कुछ नहीं लिखा है। हाँ। तो ये है क्या आपके हिसाब से? आपको लग रहा होगा रूट है। हाँ, देखने में तो रूट है, ऐसा ही लग रहा है। अब ये जब छुपा हुआ चोट वाला क्वेश्चन है ये, बहुत इसको आप लिखो बच्चे राइजोफोर। राइजोफोर अब कहोगे ये कहाँ से आ गई राइजोफोर? ये सिर्फ सिर्फ सेलेजिनेला में होता है, हर जगह नहीं होता। राइजोफोर को ब्रैकेट में लिखो ऐसे, ऑर्गेन ऑफ सुई जेनेरिस, ये लेटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑर्गेन ऑफ इंडिपेंडेंट। वहीं पर पेंसिल से ही लिख दो बेहतर है ना, ऑर्गेन ऑफ, हाँ छोटे छोटे इंडिपेंडेंट ऑरिजिन। अब इनमें जो इसके एक्सपर्ट, ये वर्ड कहा था बियर होस्ट ने, अब यहाँ पर इनका नाम जो वर्कर का है बियर होस्ट। अब ऐसा क्यों हुआ इनको राइजोफोर नया नाम पड़ा, इनको ऑर्गेन ऑफ स्वी जेनरिस क्यों कहा गया? क्योंकि इट लुक्स लाइक एन रूट, लेकिन इनका इनका अंदर का स्ट्रक्चर स्टडी किया गया एनाटॉमी, तो ये रूट लाइक नहीं था। अच्छा। तो अब ये रूट रूट की तरह दिख रहे हैं, रूट का एनाटॉमी नहीं शो कर रहा है ना, ये स्टेम है, तो ये ना रूट है ना स्टेम है, ये बीच की चीज है। तो अब इन पर वो क्या करे, तो कहा भैया इंडिपेंडेंट ऑरिजिन, इस पर बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई है, जैसा क्यों हुआ इवोल्यूशन में सब हमको नहीं करना है, लेकिन इतना चूंकि डायग्राम वहां दे दिया, तो यदि सेटर को नजर आ गई है उसके दिमाग में क्लिक कर गया तो पूछ लेगा व्हाट इज द राइजोफोर। तो वहीं पर बच्ची राइजोफोर कर दिया आपने। हाँ, लिख दिया। चलो अभी इसमें उसके बगल में आपका इक्विजिटम होगा हॉर्सटेल। हाँ है। पहले एबीसीडी करो, उसके उस पे इसको उसके देखो सबसे ऊपर में क्या लिखा होगा, स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस, तो ये इनका स्ट्रोबिलस इनका जो है स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। हाँ। तो अब नीचे में आके ऐसे करके राइजोम भी बना हुआ है ऐसे। हाँ, राइजोम बना हुआ है। पहले एबीसीडी करो। कर दिया। मान लो अब यही डायग्राम आ गया, ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस, डी इज दिस, क्वेश्चन बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ बनेगा। चार डायग्राम है नीचे में आपका, वो फ्रंट वाला है डायग्राम, फ्रंट तो पहचानती होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, इसका पिक्चर भी दिया था, इसी के पीछे में स्पोरोफिल होता है जो पिक्चर में भेजा हूँ। हाँ। और ना तो यहाँ पर हमारा, जहाँ मैं अभी बाहर हूँ यहाँ पर जंगल के जंगल पड़े हैं, इसका बात बोलोगे तो फेंक दूंगा। प्रोथालस तो मैं ढूंढता ही हूँ, प्रोथालस बहुत छोटा सा होता है नीचे में, आप लोगों के नजर से भाग जाएगा ये। आज मैं दोपहर में मेहनत करूंगा इनको निकालूंगा। अच्छा, इसके बाद नीचे में बच्चे यहाँ पर लिखा होगा सेल्विनिया। हाँ, सेल्विनिया। तो ये देखो ये पानी में है। हाँ, वो नीचे है। नीचे है। तो पहले अब ये एक मिनट, पहले तो ये डायग्राम में से चारों डायग्राम को आप पहचान लोगे? हाँ पहचान लूंगा। पिक्चर रिकॉग्निशन, ये कौन कौन से है, सोनू है कि मोनू है, क्या नाम है इनका, कंप्लीट। अब हमारा इनमें अभी दो बातें, जहां पर आपका सेलेजिनेला लिखा है वहां लिख दो एच मतलब हेटरोस्पोरस,
और सेल्विनिया को भी लिख दोगे एच हेटरोस्पोरस। अब हमारा इसमें डिस्कशन दो रहेगी, शॉर्ट डिस्कशन रहेगी, जिसमें हम एक हेट्रोस्पोरी डिस्कस करेंगे, पहले हेट्रोस्पोरी तो पीछे पेज पर दिया होगा, हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट। कहीं पर मिला ये वर्ड 39 पेज पर देखो तो, या 38 पर ही नीचे में, 38 या 39 पर हेट्रोस्पोरी बोर्ड में लिखा है, ऊपर वाला ही पैराग्राफ में। जो पिक्चर वाली पेज है उसको उलट जाओ, क्वेश्चन खूब पूछते हैं घुमा के, तीसरे साल भी पूछे थे, वहां पर आप लिख लो अचीवमेंट क्या है, जो हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट इस पर बहस थोड़ी सी चलनी है। इसका मतलब बच्चे अभी हमको दो बातें बात करनी, सोचना पड़ेगा, जिसको बच्चे नहीं सोचते या बच्चे को नहीं सोच पाते, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पोर एंड सीड। नाम तो दोनों सुना हुआ है आपको, लेकिन आपके आपके दिमाग में दोनों का क्या पिक्चर है, स्पोर डॉटलेट टाइप होता है और सीड जिससे जर्मिनेट हो जाता है, स्पोर से भी जर्मिनेट ही होता है, जनरेट होता है जब आप किसी का स्पोर अंडर माइक्रोस्कोप में लगाओगे तो अंदर में आपको एक ऐसे 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 इतने सेल्स मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। आज जब किसी सीड को तोड़ते हैं, चना को, मटर को, तो पूरे ऐसे होते हैं, इनको जब आप खोलते हैं तो यू विल गेट कोटालिडन, यू विल गेट एम्ब्रियो, ये सब मिलता है ना। तो सीड को आप मिट्टी में लगाते हैं, प्लांट आ गया, तो फॉर सर्वाइवल के लिए स्पोर का इवोल्यूशन सीड में हुआ है। जैसे एल्गी में आपका था आइसोगैमस एंड आइसोगैमस सुगैमस था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हाँ जी, एंड थ्री डी आर्चिगोनिया बना, हाँ। इन द मीन टाइम हमको देखना है जो सीड कैसे बनी है, सीड का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो स्पोर एंड सीड साइड में लिख के छोड़िए। दूसरी बात, अब जो हम सेकेंड शिफ्टिंग बैठेंगे तो पूरी जिम्नोस्पर्म खत्म हो जाएगी। जिम्नोस्पर्म में आप देखो, मैंने पिक्चर आपको शेयर कर दिया, यदि आपको पिक्चर पहचान में नहीं आ रही है तो आप पूछ लेंगे। साइकस का मेगा स्पोरोफिल सब मैं भेज चुका हूँ, हाँ, आपके पास बुक आ गई जी। अब आप क्या करेंगे, टेरिडोफाइट जिम्नो, टाइम लगे तो एनजीओ एक रीडिंग मार के रख दो, ठीक।